नमस्कार, हिस्ट्री इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र दुबे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में आए थे। उन्हें तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जल्द से जल्द भारत को उनकी सारी शक्तियां लौटाने के तरीकों को खोजने का काम सौंपा था। उनके आने के समय तक कैबिनेट मिशन योजना अनियंत्रित हो चुकी थी और इसी के विकल्प के रूप में उन्होंने एक योजना तैयार की जिसे डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अनुसार देश को एक दर्जन या उससे अधिक स्वायत्त प्रांतों में विभाजित करना था, जिसे देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट मिल जाती कि वह या तो भारत या तो पाकिस्तान या खुद को स्वतंत्र रख सकती थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की तीखी प्रक्रिया के बाद इसे छोड़ना पड़ गया था। देश को प्रांतों में विभाजित करने के कारण इसे प्लान बाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बाल्कनीकरण से तात्पर्य एक बड़े क्षेत्र या राज्य का छोटे छोटे क्षेत्रों या राज्यों में खंडन से है, जो एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण या असहयोगी हो सकते हैं।